गुड मॉर्निंग मेरे भाई, वेलकम टू वीक 14। मैं ना, मेरा एक बहुत पुराना पास्ट भी है, जब मैं क्लास 10th में टॉप किया था और उसके पहले 9th में मैं टॉपर तो क्या, टॉपर से जो मीडियम क्लास के बच्चे आते हैं उनसे भी नीचे था, ये मान के चलो 60% वाला बंदा था मैं। और उस बंदे के 40 out of 40 आने लग जाए यूनिट टेस्ट में और 8.6 CGPA आ जाए आउट ऑफ 10 में, 10th में, तो मायने रखता है। उसको मायने नहीं रखता है जो 9th में 80% ला रहा है या 90% ला रहा है, उसके 10th में 86% आया तो इट्स ओके। बट जो बंदा 64% ला रहा है वो डायरेक्ट 84 पे भी नहीं 86 में पहुंच जाए तो मायने वाली बात है। तुम जितने भी लोग हो ना भाई, सच बताऊं बहुत लकी हो जो इस मॉडर्न जनरेशन में पैदा हुए हो, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे बुराई बढ़ती है ना उसी हिसाब से अच्छाई भी बढ़ती है। एक टाइम था जब हम अपने आसपास की सोसाइटी से ही सीखते थे, आज आप कहीं से भी सीख सकते हो। जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे याद है, मैं हिमेश मडान, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी हाउ टू स्टडी करके बनाते थे वो, कि कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए, हाउ टू स्टडी प्रॉपरली रैंक वाइज, कैसे हम टॉपिक्स को याद रखें, उनकी वीडियो से इंस्पायर होता था मैं। और अभी लेटेस्ट की वीडियो नहीं, ये मान के चलो 2010 2011 2012 की वीडियोस जो स्टडी टॉपिक्स पर बनाते थे। संदीप महेश्वरी से पहले से आई थिंक वो मोटिवेशनल स्पीकर है, और मेरा जो पहला इंट्रैक्शन था किसी मोटिवेशनल स्पीकर से जो कि भाई लॉजिकल बात करता हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, तो वो हिमेश मडान से था। तब मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनकी टेक्निक से, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते थे मेरे भाई, कैसे आप इजीली स्टडी कर सकते हो। तो अब उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, अब मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं उस चीज़ को बताऊँ, हेल्प कर सकूं किसी की, क्योंकि स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, नॉलेज रूल करती है, ये ध्यान रखना। तुम्हें लॉ की नॉलेज नहीं होगी ना आज के टाइम पे, कुछ तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है, ठगी घूसखोरी कैसे होती है, इसी वजह से होती है। तुमको फूड की नॉलेज नहीं होगी ना, क्या खाना, क्या न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो फिर भाई तुम हेल्थ कैसे अच्छी रखोगे। तुमको मेडिसिन की नॉलेज नहीं होगी तो तुम कैसे खुद को बेटर रख पाओगे। तुमको अगर केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, फिज़िक्स की नॉलेज नहीं होगी, मैथ्स की नॉलेज नहीं होगी, तो ये कार ड्राइविंग में, कार के जो इंजन्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ्लूड्स जो होते हैं, सबकी नॉलेज रहेगी ना तो भाई तुम एक स्टैंड अपना ले पाओगे हर जगह, और ये एक अलग मोटिवेशन देता है। मैं मानता हूँ हर एक चीज़ भगवान के द्वारा होती है, हर एक चीज़ में भगवान है, तुम में भी है, मुझ में भी है, वही सेम पावर है, कोई अलग नहीं है। उसका मन होता है जिसको पढ़ा के IAS बनवाना चाहता है वो बनवा देता है। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी 12th Fail, मेरी गोल्डन स्ट्रिक जो लेसन्स करके एक चैनल है जहाँ पे मोटिवेशनल कंटेंट स्टफ मैं प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे पड़ी हुई है, मैं लिंक नीचे दे दूँगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके देख लियो। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे मतलब हम पढ़ाई को और बेटर तरीके से बना पाएं। देखो यार, आज ना मैं सिस्टमेटिक वे से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ,
मैं थोड़े टाइम बाद एक सिस्टमेटिक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर एडिटिंग के साथ, ताकि आप बेटर से रिलेट कर पाओ जैसे लेवल वन से मैं रिलेट कर पाए थे। देखो मैं बना तो दूँ, हर कोई उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, ये भी सच है, क्योंकि मेरे भाई हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग होती है, पाथ अलग अलग होता है। किसी को मेरी बातें बेवकूफ़ वाली लग सकती हैं, इट्स हर, मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि यार तुम गलत हो, क्योंकि देखो हर डेस्टिनी का, हर एक सोल की जर्नी का एक पाथ फिक्स्ड है, वो उसी के क्राइटेरिया पे चलेगा ही चलेगा। तो जो बच्चे बेटर करना चाहते हैं इस फील्ड में स्टडी के, तो यार मैं टिप्स दे सकता हूँ, ट्रिक्स दे सकता हूँ, तुमको एक कम्युनिटी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बेटर कम्युनिटी, जहाँ पे तुम स्पेसिफिक, जो तुम्हारा बेस है, बेस मेन इम्पोर्टेंट रहता है, रट्टा मारना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो तुम्हारा बेस है ना, मतलब जो हमें 6th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ना, ये बेस लेवल होता है, ये जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, जिसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग है भाई, वो ट्री अपने आप फल फूल जाता है, ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें रिवीजन मांगती हैं, समझे? तो मैं प्रोवाइड करूँगा, आज वीक 14 है, मेरे को थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं है मेरे पास कि खुद का लैपटॉप मैं खरीदूँ और उसको अपलोड करूँ, बल्कि देखो ना भगवान की मर्ज़ी नहीं है, फिर भी मेरे पास एडिटर्स हैं जो मेरा काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार हर जगह हर समय भगवान तुम्हारे साथ में रहते हैं, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तुम अगर उस चीज़ को तुम्हारे पास भी नहीं है ना, तो भी वो तुम्हारी मदद करते हैं। मैं जब भगवान की बात करता हूँ ना, मेरे लाइफ में भाई ऐसा लगता है कि कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं, जो मेरी इच्छाएं थी वो मेरी ईश्वर पूरा करता गया, जिन इच्छाओं से मैं ज़्यादा परेशानी में पड़ जाऊँगा या पड़ सकता हूँ या पड़ सकता था, वो इच्छाएं वो पूरी इतनी नहीं करता, क्योंकि वो मेरी कदर करता है, वो मेरी केयर करता है, वैसे ही वो आपकी भी केयर करता है। हम रोते हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना टॉफ़ी के लिए रोता है, मम्मी से कहता है मम्मी ये टॉफ़ी चाहिए, माँ जानती है कि इसको ये चीज़ नहीं दिला सकते, बार बार इसके दांत ख़राब हो जाएंगे या ये बीमार पड़ सकता है, इस वजह से वो चीज़ें उसको नहीं खिलाती है। वैसे ही भगवान भी हमारी कदर करते हैं, हमें वो कभी कोई चीज़ नहीं देते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लूज़र हैं, कि हमको ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। कभी कभी जब वो कोई चीज़ नहीं देते हैं ना, तो उसको समझना चाहिए कि यार क्यों नहीं दे रहे हैं। और जब तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है ना, तुम्हें पता है आज मैं मेडिटेट करते हुए बहुत रोया भाई, बहुत ज़्यादा मेरे हाथ से आंसू निकले, और रीज़न बस यही था कि मैं केदारनाथ की ट्रिप में था, और अभी के 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे थक गया था, चलने की हालत नहीं था, तो भी देखो भगवान किसी का रूप लेके आए और ऐसी मोटिवेशन जगा दी कि चलो चल नहीं है, धीरे धीरे चलो, ऊपर तक केदारनाथ पे पहुंचवा दिया, दोस्तों से झगड़ा करवा के दूसरे दोस्तों के संग भिजवा दिया। भाई हर एक सेकंड, हर एक वक्त वो तुम्हारे साथ रहते हैं, बस महसूस करने की बात है। जब ये रियलाइजेशन होगा ना भाई, तुम्हें बहुत रोना आएगा, रोना इसलिए आएगा क्योंकि तुम उस टाइम पे रियलाइज़ करोगे कि भाई मैं कहाँ पे था, कैसी मेरी जर्नी थी, और हर एक समय वो मेरा साथ देते रहे, जो इच्छाएँ करी जाए, वो बुरी सी बुरी क्यों ना इच्छाएँ हो, वो भी उन्होंने पूरी करवाई एक सेफ जोन में रह के, उसके लिए भी उन्होंने सहारा दिया, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ठीक है तेरी यही इच्छा है तो कर। और
हर समय वो समझाते रहे। पता है, मैं जब भगवान की बात करता हूँ ना, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो मैं भी वही हूँ। यार कभी तुम देखना, तुम्हारी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारा कोई अपने आप एक नया दोस्त बन जाएगा, एक जाएगा तो दूसरा लाइफ में अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि तुम परेशान हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में अकेलापन है तो वो अकेलापन भर जाएगा। फिर जब वो सामने वाला पर्सन तुमसे बोर होने लगेगा, फिर कोई नया इंसान आ जाएगा। अब तुम ये सोचो कि यार वो जो पर्सन मेरे साथ में था वो चला गया दूर मुझसे, ये तो गलत बात है। अरे नहीं भाई, तुम्हारी ही कुछ इच्छाएं थी जो ऊपर वाले ने कोई दोस्त भेज के पूरी कर दी। फिर तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया कि अब मेरे को ये नहीं चाहिए, तो वो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ से हट गया और दोनों में इच्छा तुम्ही ने करी थी और दोनों में तुम्हें मिला। एक कमी जो तुम्हें महसूस होती है ना किसी की, एक कमी मेरे भाई ऊपर वाला अपने आप पूरी करता है किसी ना किसी के जरिए, कहीं ना कहीं। यार जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो जो संतों की जो बातें होती है ना, ऐसा रियलाइज होता है कि यार ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ ना, या बोल लो जो हम अनुभव कर पाते हैं ध्यान में, वो अनुभव भाई सिर्फ हमें नहीं होता है, वो अनुभव हर एक साधक को होता है, हर एक स्पिरिचुअल लीडर को होता है, हर एक स्पिरिचुअल पर्सन को होता है। क्योंकि ये अनुभव ऐसा नहीं होता कि कुछ नया हो गया, नहीं भाई, ये चलती रहती है। कोई स्पिरिचुअल बनता है, फिर नहीं बनता है, फिर बनता है, फिर नहीं बनता है। देखो, स्पिरिचुअलिटी में पावर मिलती है, पावर को फिर तुम यूज़ करना चाहते हो, फिर यूज़ में मज़ा आता है, फिर वो पावर डाउन हो जाती है, फिर तुम स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हो, पावर इकट्ठी करते हो, तुम स्पिरिचुअल बन जाते हो, फिर तुम कोई चीज़ें भोगना चाहते हो, उसको भोगते रहते हो, मज़े लेते रहते हो। तो ये अप डाउन चलता रहता है भाई, यही तो ज़िंदगी है, यही तो जीने का मज़ा है। लाइफ मैन, लाइफ सो ग्रेट, सो गुड। चलो मैं यही सोच रहा हूँ कि एक कम्युनिटी प्रोवाइड तुम लोग के लिए कर दूँगा, बॉयज़ की कम्युनिटी जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि जो मैंने सीखा है प्लस जो तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, हर एक चीज़ से स्ट्रांग बनना है, ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ओझा सर बचे ना, है ना। तो जैसे ओझा सर है ना, वैसे ही कई सारे ओझा सर बनने चाहिए तुम में से, कई सारे आईएएस बनने चाहिए, कई सारे पीसीएस बनने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कोई एक पर्सन जो बहुत ऊपर होता है, तो हम ऐसा ना सोचें कि यार अगर ये पर्सन चले गए तो क्या हमारे पास कोई और पर्सन नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, हमारे पास हर समय ऐसे लोग पैदा करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, ये हम बड़ों की हो जाती है फिर, कि आपको कैसे संभालना है, आपको कैसे रखना है। बल्कि आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद आगे बढ़ते हो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई, कोई कभी किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो बस वक्त है जो आपको सिखाएगा, जो हमें भी सिखाता है और साथ में लेके चलता रहता है। गाना नहीं है, जिंदगी के सफर में कुछ लोग यूं ही मिल जाते हैं। चलो भाई, मैं गाने नहीं गाता, मेरे को लिरिक्स उतने याद नहीं रहते,
जब सुनता हूँ तो बहुत फील में सुनता हूँ कि यार पुराने गाने उतने कभी मैंने ज़्यादा सुने नहीं, अभी रिसेंटली सुनने चालू किए, रिसेंटली क्या कभी कभी सुनता हूँ, वरना लेटेस्ट इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड सुनता हूँ। रैप वगैरह ज़्यादा सुनता था एक टाइम पे, कभी कभी वो भी सुनता हूँ, डिपेंड अपॉन मूड। हर तरह की वाइब होती है हमारे अंदर, हर तरह का। चलो मैं ये कोशिश करूँगा कि तुम लोग को जल्दी जल्दी ऐसा प्रोवाइड कर दूँ ताकि जो तुम्हारी ये एकेडमिक्स की पढ़ाई है ना, इस पे कोई दिक्कत ना है। बॉयज़ का एक ग्रुप बनाऊँगा ये, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं बनेगा ये ग्रुप, डिस्कॉर्ड पे बनाऊँगा, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे फंक्शंस यार ज़्यादा हैं, तो इस वजह से डिस्कॉर्ड पे ग्रुप मैं तैयार करता हूँ एजुकेशन नॉलेज रूल्स करके। अभी नहीं करूँगा, जब मैं करूँगा तो लिंक दे दूँगा, नॉलेज रूल्स बाय ब्रह्मचर्य व्लॉग ऐसा करके बनाऊँगा, ताकि अब पक्का भी नहीं है कि वीक 15 में बना दूँ, देखो कब बनाता हूँ मैं, क्योंकि डिपेंड करता है टाइम के साथ ना, कब मेरे को फ्री टाइम मिलता है, कब मैं उस हिसाब से बना पाता हूँ। लेकिन कोशिश ये करूँगा जल्दी बना दूँ, क्योंकि तुम लोग के मतलब अप्रैल चालू होने वाला है, अप्रैल चालू होने वाला है, नई क्लास में आ जाओगे जितने भी। अभी मैंने एक पोस्ट किया था यूट्यूब पे कि भाई 9th 10th 11th 12th ये जो बच्चे हैं ये ज़्यादा हैं, कॉलेज वाले भी थोड़े से ज़्यादा हैं, और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि सबके लिए ग्रुप बन जाए, और ऐसा बने कि अगर किसी को फिज़िक्स पढ़ना है ना तो फिज़िक्स के लिए बस एक वॉइस चैट हो, फिज़िक्स वाली हो। किसी को मैथ्स अगर समझनी है ना तो एक वॉइस चैट चले जो मैथ्स ही पे चले। और एक डिस्कॉर्ड का फ़ायदा यही है कि मतलब एक साथ तुम मतलब 10 आई थिंक 6 से 7 7 10 10 बना सकते हो वॉइस चैट के ऑप्शन। तो एक ही ग्रुप के अंदर अलग अलग वॉइस चैट चल सकती हैं, और अलग अलग लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे क्लासरूम टाइप का होता है ना तो सर्वर टाइप का होता है। तो देखो बनाते हैं तो बताते हैं, क्योंकि डिस्कॉर्ड में ये चीज़ है कि अगर किसी को फिज़िक्स सीखना है ना भाई, जैसे टेलीग्राम पे क्या है, अगर हमने वॉइस चैट ऑन करी तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को किसी टॉपिक पे बात करनी हो नहीं कर पाएगा। अब डिस्कॉर्ड में क्या है, किसी को फिज़िक्स की बात करनी है तो फिज़िक्स वाले वॉइस चैट में जाए, किसी को मैथ्स पे करनी है मैथ्स में जाए, किसी को जनरल नॉलेज लेनी है तो जनरल नॉलेज वाले में जाए, किसी को केमिस्ट्री की नॉलेज लेनी है केमिस्ट्री में जाए, जिसको फिज़िक्स की लेनी है फिज़िक्स में जाए, जिसको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आगे करना है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, जिसको कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है कंप्यूटर साइंस के वीसी पे बैठे। तो इससे क्या रहेगा ना, एक इन्वायरमेंट बन जाएगा स्टडी का, आसपास में जितने बच्चे रहेंगे एक ही कम्युनिटी से, क्लासरूम होता है ना ऐसे डिवाइड कर देंगे, और वॉइस चैट का भी टाइम थोड़ा सा शेड्यूल कर दूंगा। देखो अभी क्योंकि डिस्कॉर्ड का उतना नॉलेज नहीं है मुझे, बट आई विल प्लान सून इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं भाई मेरे लाइफ में, मैंने भी लैक करी है, तो परफेक्ट नहीं होना, परफेक्ट नहीं होना ही शायद हमें आगे लेके जाता है, क्योंकि अगर परफेक्ट हो जाता तो शायद कभी मैं बनाते ही नहीं। आज परफेक्ट नहीं हूँ किसी वजह से, तो उस चीज़ को बनाने का जोश भी है और एक जज्बा भी है। चलो आज के लिए बस इतना ही था भाई, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और गोल्डन लेसन की लिंक दे दूँगा, और जो मेन वाला ग्रुप है ब्रह्मचर्य व्लॉग उसकी लिंक बंद है, क्योंकि क्योंकि भी बताना ज़रूरी नहीं समझता भाई मैं। बस आज के लिए इतना ही था, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखियो, खुश रहियो, और लाइफ में किसी चीज़ की चिंता मत करना भाई, भगवान हमेशा साथ रहेगा, अच्छे कर्म करते रहना, बाय।